प्रॉपर्टी गाइड। अगर आप गुरुग्राम से 15 मिनट के डिस्टेंस में 40 लाख के अंदर कोई प्लॉटिंग डेवलपमेंट के अंदर प्लॉट ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्ली दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर यू। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी प्रोमिनेंट रेसिडेंशियल प्लॉटिंग डेवलपमेंट इन द नेम ऑफ रहेजारण्य, जहाँ पे अक्षय नाम पे एक प्रॉपर्टी प्लॉटिंग डेवलपमेंट आया हुआ है अंडर दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर। इसमें आपको बहुत ही आसान किस्तों में, बहुत ही कम प्राइस में प्लॉटिंग मिल रहा है, जहाँ पे आसपास का प्लॉटिंग ऑलमोस्ट शुरुआती 72 से 75 हज़ार रुपये गज में होता है, वही उसी लोकेशन में आपको प्लॉट ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार रुपये गज के हिसाब से मिल सकता है आपको। मैं डिटेल्स में इस प्रोजेक्ट की बात करूँगा, पहले मैं उसका लोकेशंस वगैरह थोड़ा आइडिया आपको दे दूँ। ये रहेजा अरण्य है जिसके बारे में मैंने बात किया। ये ऑलरेडी रहेजा अरण्य का 200 एकड़ का टाउनशिप है, जहाँ पे फेज़ वन एंड फेज़ टू में काफ़ी सारे प्लॉट ग्रुप हाउसिंग ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। टाटा ग्रुप रहेजा के साथ मिलके टाटा अरावला नाम पे विलास उस जगह में बना रहे हैं, उसमें कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ का विला ऑलरेडी बन रहा है उस लोकेशन पे। और इसी लोकेशन पे आपको सेम प्रीमाइसिस पे बहुत ही जो आसान किस्तों में बात कर रहा हूँ बार बार, ये किस्त क्या है इसमें भी बताऊँगा, जिसमें आपको कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास 15-18 लाख या 20 लाख रुपए करीब है, तो आप आराम से आप अपना प्लॉटिंग डेवलपमेंट में प्लॉट बुक कर सकते हैं। उसके पहले साउथ ऑफ गुड़गांव के ऊपर थोड़ा हाईलाइट दे दूँ, क्यों साउथ ऑफ गुड़गांव इतना फेमस है। पहली बात, जो गुड़गांव के प्राइसिंग है आज के दिन में, DLF फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, कहीं पे भी प्लॉट देखना चाहें, या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो, या कहीं पे भी अगर आप अपने गेटेड सोसाइटी में प्लॉट देखना चाह रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज जो प्राइस आता है ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये, इवन 3 लाख रुपये तक भी गज के हिसाब से। इवन इसी रोड में जो मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, उससे मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी में सेंट्रल पार्क का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे जो प्लॉटिंग शुरुआत होता है 72,500 रुपये, तो इसी लोकेशन में आपको इस प्राइस में मिल रहा है। कारण क्या है, ये जो आईएमटी जो मानेसर आज के दिन में बना हुआ है, वैसे ही ऑलमोस्ट डबल द साइज में ये आईएमटी सोना बनते जा रहा है, जो 1300 एकड़ लैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट 4-5 साल से ये काम चल रहा है, बहुत सारे डेवलपर इस जगह में प्रोजेक्ट पहले लेके आए थे और आज के दिन में डिलीवर भी कर चुके हैं, और लोग इस लोकेशन पे रहते हैं, और ये बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है, साथ साथ जो कनेक्टिविटी है बहुत सुनहरा है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज के दिन में अगर IMT मानेसर की बात करूँ, तो 650 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, और ऑलमोस्ट 3.5 लाख के करीब लोग आज के दिन में IMT मानेसर में काम करते हैं। तो जिस दिन ये वाला IMT सोना बन चुका होगा, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जो एस्टिमेट किया जा रहा है, अगले 4 साल के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों को ये जॉब देगा। अगर 10 लाख लोगों की जॉब की ज़रूरत है, तो ऑलमोस्ट 5 लाख फैमिलीज़ को घर चाहिए होगा इस लोकेशन पे। इधर दे विल बी रिसाइडिंग ऑन ए रेंट, और दे विल बी कम्यूटिंग फ्रॉम गुड़गांव और सम दिल्ली, और दे विल बी हैविंग देयर ओन हाउस। तो अगर उनको बहुत सस्ते में नियर बाई में घर मिल जाता, तो उससे बेहतर कुछ है नहीं, तो दे विल प्रेफर दैट थिंग। सेकेंड, दिस प्रोजेक्ट और द होल प्लेस इज एट द लैप ऑफ अरावलीज, तो एकदम चारों तरफ आपका अरावलीज का बहुत सुंदर व्यू मिलता है, साथ साथ ग्रीनरी जो एवरग्रीन रहेगा, क्योंकि उस तरफ उसके नियर बाई को कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में अलाउ होगा भी नहीं, प्लस जो एक नेचुरल ब्यूटी वो हमेशा आपको मिलता रहेगा, वो भी एक इसका प्रोजेक्ट का बहुत ही खास है। 13 क्या है, इस जो प्रोजेक्ट है इसके बगल से ही इंडो जापानीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट DMIC जिसको कहते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये $90 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ का। तो ये 5.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जिस दिन तैयार हो जाएगा, तब आपके नोएडा इवन दिल्ली से लेके मुंबई तक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन जाएगा, साथ साथ उन्हीं के लगा हुआ एक हाईवे भी बन रहा है, जो लोग आराम से ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। और चेरी ऑन द केक, इस जगह में KMP एक्सप्रेस आज के दिन में फंक्शनल है, ऑलमोस्ट आपने सुना भी होगा बहुत सारे TV चैनल्स और न्यूज़ पे भी, जो आज के दिन में KMP एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी बन चुका है, या एक वरदान है उन लोगों के लिए जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, और उनको दिल्ली में पहले गुजरना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली में अगर जाना हो तो इतना दिल्ली का कंजेशन क्रॉस करके जाना पड़ता था। आज के दिन में एक KMP और जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ये बनने के बाद एक आउटर रिंग रोड बना हुआ है 135 किलोमीटर एक स्ट्रेच का, तो 270 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है। तो आप मान लीजिए आप NH 8 पे है, तो आप NH 10 पे जा सकते हैं, NH 24 में जा सकते हैं, तो आराम से ये पॉसिबल है, मैं एक मैप के थ्रू से आपको बताऊँगा। साथ साथ ESR जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट
एपी एसी प्रोजेक्ट है, लॉजिस्टिक्स हब है, ये वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स हब्स प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे प्रोमिनेंट ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। इनको 77 एकड़ जमीन में ये अपना लॉजिस्टिक्स हब बना रहे हैं। तो एक जिस दिन बन जाएगा वो भी एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल चीज़ें पहुंचाने में जो आसानी होता है ना, ये अपना ये पूरा करेगा। अब आगे आते हैं इसका कनेक्टिविटी के वाइज, दिस इज़ द प्लान आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये आपका देखिए, दिस इज़ योर KMP और दिस इज़ योर सॉरी दिस वन इज़ योर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिस इज़ दियर KMP जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ठीक है। तो आराम से आप आराम से ट्रांसफर मतलब ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो सकता है। साथ साथ ये है नेशनल हाईवे 248A, सोना रोड को नेशनल हाईवे घोषित कर चुके हैं और ये 248 के नाम पे जाने जाते हैं। तो इसीलिए जो रोड का चौड़ाई हो या रोड में जो ऑब्लिगेशंस पहले था वो सारे कुछ हट चुका है और आज के दिन में काफ़ी हद तक रोड डेवलप हो भी चुका है। और सोना को मिलेगा एक मेट्रो का सौगात, क्योंकि जो वाटिका चौक के पास से जो मेट्रो जाएगा ना उसी का एक्सटेंशन होगा साउथ ऑफ गुड़गांव के पास। तो फ्यूचर में डाउन द लाइन 4 to 5 ईयर्स में आपको मेट्रो चलते हुए दिखेंगे इस लोकेशन से। और साथ साथ ये जो बादशाहपुर है, बादशाहपुर के पास जो आपका कंजेशन लगता था उस कंजेशन को हटाने के लिए गुड़गांव का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, फ्लाईओवर जिसको कहते हैं। फ्लाईओवर ऑलरेडी काफ़ी हद तक बन चुके हैं, आप अगर साइट विजिट के लिए जाएंगे तो आपको दिख जाएगा इस लोकेशन पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ। आज के दिन में आप KMP भी देख सकते हैं, आज के दिन में आप जो DMIC की बात करो, DMIC की कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी से होते हुए देखेंगे। साथ साथ एक सेक्टर 63A जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये मान लीजिए दिस इज़ योर सोना रोड और ये सोना रोड से ये जो अगर वाटिका चौक मान लो इस तरफ, वाटिका चौक से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर आपका सेक्टर 63, ये 63 से एक रास्ता और जा रहा है जो आपका आगे KMP से मिलाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में डुअल कनेक्टिविटी मिल जाएंगे, ठीक है। ये IMT सोना जिसकी बात मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट 1292 एकड़ 1300 एकड़ जिसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, LNT इसको डेवलप किया हुआ है। आज के दिन में एसेंडास जो IT हब है, ITN ITSEZ है, आज के दिन में फंक्शनल है, ऑलमोस्ट 4 साल से फंक्शनल है। दे हैव ए लैंड बैंक ऑफ 62 एकड़ जहाँ पे फेज़ वन में बना चुके हैं, धीरे धीरे वो आगे उसको एक्सपेंड करेंगे। और ये जो लॉजिस्टिक सब्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये अंडर डेवलपमेंट है 77 एकड़ ज़मीन के अंदर। प्लस रोज का मियो इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो बाद में इनको बहुत सारे लोग इस जगह में काम करेंगे। आगे चलते हैं, ये कुछ प्रोमिनेंट एजुकेशनल हब जो आज के दिन में पूरे वर्ल्ड इंडिया के वर्ल्ड में फेमस है, जिनमें एक जी डी गोइंग की यूनिवर्सिटी 1600 लैंड के ऊपर फंक्शनल है, बहुत ही बड़ा लैंड पैच में, ऑलमोस्ट पिछले 25 साल से ये फंक्शनल है इस लोकेशन में। KR मंगलम यूनिवर्सिटी 4 साल पहले इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, आज के दिन में काफ़ी हद तक एक्सपेंड भी कर चुके हैं। जी डी गोइंग का सिग्नेचर स्कूल भी इसके नियर बाय है। KIT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये भी सोनारत के अंदर है। तो एजुकेशनल हब में भी ये सोना बहुत आगे तक आ चुका है, तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली से भी स्टूडेंट पढ़ने इस यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ होटल्स एंड रिक्रिएशनल में जो कॉरपोरेट हब में काम करते हैं, मेरे हिसाब से इनके बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये ITC ग्रैंड भारत है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये IMT जो अब सोना रोड है, सोना रोड से मुश्किल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वेस्टर्न रिजॉर्ट सोना, ये भी आज के दिन में फंक्शनल है। बोटानिक्स नेचुरल रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत एक रिजॉर्ट बना के रखा हुआ है ताज गेटवे। तो ये सारे 5 स्टार रेटेड 7 स्टार रेटेड आपका होटल्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी इस लोकेशन से 5-7 किलोमीटर की दूरी में ही है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम तो कभी जाएंगे नहीं इस जगह में, बट यस अगर ये आपके नियर बाय लोकेशन पे हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट उस जगह का वैल्यू बढ़ता है जो आपके एप्रिसिएशन में काम आएगा। अब आते हैं रहजा अरण्या सिटी के बारे में। रहजा अरण्या सिटी, ये है 200 एकड़ का टाउनशिप, दिस इज़ योर एंट्री गेट। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया ये LNT के थ्रू से, और LNT बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप किया, मेटिकुलसली प्लान्ड है। प्लस ये जो आप रोड्स वगैरह देखते हैं, रोड्स के लिए कई लेयर बनाया गया, मुझे याद है ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले मैंने विजिट किया था जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो LNT का ऑलमोस्ट 7 लेयर्स बनाया हुआ था ये रोड्स के ऊपर, जो बाद में कभी ना टूटे, ठीक से उसको आगे लॉन्गिटिविटी रहे, कभी दिक्कत ना हो, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से नज़रिया पूरा आपका बनते दिखेंगे, अलग अलग जगह में हाई राइज लो राइज प्लस प्लॉट्स हैं, और इस योजना के थ्रू से इतनी शानदार प्लॉट इस प्राइस में आपको आज के दिन में मिल रहा है। फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है अरण्य सिटी अक्षरिया फेज़ 1, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दीनदयाल जन आवास योजना के थ्रू से 2019 में डिलीवर हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज डिलीवर होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। लोकेशंस तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया आ चुका होगा। ये देखिए आपका राजीव चौक, इस राजीव चौक से स्ट्रेट चलेंगे, दिस इज योर वाटिका चौक, ये आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला रोड है, और ये राइट हैंड साइड पे आपका साउदर्न पेरिफेरल रोड है जो आगे NPR द्वारका एक्सप्रेस वे मिलवा देता है, ठीक है। इसी रोड से सीधा सीधे चलेंगे आपका सोना जो चौक है उसको क्रॉस करने के बाद ही लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एक टाउनशिप आ जाता है, इसको कहते हैं सेक्टर 11-14, दो सेक्टर मिलकर 200 एकड़ का लैंड पैच है, ठीक है। ये एक रोड आ गया, प्लस ये जो इन्होंने इसको कवर नहीं किया, इस तरफ से जो रोड है इसके में 63A है, सेक्टर 63A से ऐसे रोड आपका सीधा जाएगा जो आके सोना रोड आपका ये KMP तक मिलवा देगा, तो डुअल कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा। क्लोज टू नेचर जो अरावली हिल्स की मैं बात कर रहा था, क्योंकि आप मान लीजिए दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट जो अरावली हिल्स के नियर बाई हो सकता है, इसके बाद कोई प्रोजेक्ट आएगा नहीं फ्यूचर में। ये कुछ एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं, ये रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो चुका है, इसमें आराम से आप जो नेचर का भी आनंद ले सकें, प्लस अपना जो अर्बन एरिया है आपका जॉब का लोकेशन है उसमें भी आराम से आप पहुंच सकेंगे। ये देखिए टाटा अरावली जो मैं बात कर रहा था, टाटा का विलास है, ये सारे विलास काफ़ी हद तक बन चुका है, ये अरावली हिल्स है, इस तरफ भी अरावली हिल्स है, तो दोनों तरफ आपका अरावली हिल्स मिलता है। ऐसे आप एक आर्किटेक्ट के थ्रू से इन्होंने एक आर्टिफिशियल रेफरेंस इमेज दिया हुआ है, आप ऐसे नहीं बनाना है आपको, आप कोई दूसरे तरीके से भी बनवा सकते हैं। ये दीनदयाल योजना के बारे में, इसमें कोई GST देने का आपको ज़रूरत नहीं, और 10 मिनट की दूरी है आपका IMT सोना से। बेनिफिट क्या है इस जगह में, 50 से 150 स्क्वायर मीटर के अंदर प्लॉट है, फ्लोर वाइज आप रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट में आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाते हैं, 4 फ्लोर बनाते हैं, उस फ्लोर में आप अपना अलग अलग रजिस्ट्री करके लोग दे सकते हैं, जो नोएडा में पॉसिबल नहीं है। 60% को भी 65% प्लॉट कवरेज कर सकते हैं बहुत सारे जगह में, जो ऑलमोस्ट 50% के करीब होता है। सेल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपना प्रॉपर्टी बुक करने के बाद जब एग्रीमेंट आपका बन जाएगा, डिलीवरी आ जाएगा, आप आराम से उसको बेच सकते हैं। मिनिमम जो रोड है इसका 9 से 12 मीटर, 12 मीटर एक अच्छा रोड माना जाता है। कम्युनिटी एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी ऑलरेडी इन प्लेस, और इसके साथ साथ एक जो बेनिफिट है आपका दीनदयाल आवास योजना के तहत, वो भी आपको मिलेगा, और इसका FAR 2.75। ये है आपका लैंड जो अलग अलग जगह से, इस तरफ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, इस तरफ से भी एंट्री है, तो आप साइट से इस तरफ से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी अलग अलग जगह से कनेक्टेड है। ये वाला रोड ये थोड़ा प्रीमियम है, ये थोड़ा और से सस्ता है, ठीक है। ये साइट 1 है, हम लोग जब बैठेंगे तो डिटेल्स में बात करेंगे, अगर कोई भी आपको जानकारी लेना हो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ बताना मुश्किल है। ये है लॉन्च प्राइस 45,000 रुपीज़ प्लस 9,000 रुपीज़ का कॉर्नर चार्जेस, मतलब एक PLC लगता है जनरली, तो ऑन एन एवरेज बाद में आपका यही प्राइस ऑलमोस्ट 45,900 रुपये का आ जाएगा। आज के दिन में जो आपको प्राइस मिल रहा है ये 34,990 रुपये, और साइट 2 का ऑलमोस्ट 4,000 रुपये कम है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा फेज़ 1 पहला आता है, फेज़ 2 उसके बाद आता है, तो आप ऑलमोस्ट आज के दिन में 12 से 15,000 रुपये करीब सेव कर सकते हैं पर स्क्वायर यार्ड में। इसमें फैसिलिटी जो एक पेमेंट प्लान है जिसके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था, आप अपना 35% 60 दिन के अंदर दे दीजिए, इसके बाद 1% पर मंथ आप 25 महीने तक पे कर सकते हैं, 1% आप मान लीजिए अगर 40 लाख का प्लॉटिंग का कॉस्टिंग है, तो 40,000 रुपये महीने का कॉस्ट पॉकेट से पे करके अगले 2 साल के अंदर आप 25% पे कर सकते हैं, बाद में 40% ऑन ऑफर आप पोजीशन में दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो लोन लेने की ज़रूरत पड़ता था, या अपना जो ITR उसको हिसाब से सपोर्ट नहीं करता, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन पेमेंट प्लान है। साथ साथ 50-50 पेमेंट प्लान भी जा सकते हैं, आपको सिर्फ 50% देना है, बाकी पैसा इन टाइम ऑफ पोजीशन। ये पेमेंट प्लान CLP पेमेंट प्लान, मेरे हिसाब से इस पेमेंट प्लान में कोई जाएगा नहीं उससे बेहतर है। आप लोगों के लिए मैंने कॉस्टिंग बना के रखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये जो पर स्क्वायर फीट रेट लॉन्चिंग का प्राइस है, दिस इज योर लॉन्चिंग प्राइस, और आज के दिन में जो प्राइस बैठता है सब कुछ जोड़ के 31,491 रुपये,
और 116 गज के कॉस्टिंग जो आता है 36 लाख रुपए, आप सबसे बड़ा वाला साइज़ ऑलमोस्ट 56 लाख रुपए। तो अलग अलग ये फेज़ टू का है, फेज़ वन का, ये फेज़ वन का है, फेज़ टू का है। तो आप इस हिसाब से पूरा एक एक साइज़ का कॉस्टिंग विथ कितना पेमेंट प्लान आपको देना है, आप चाहे तो उसका स्नैप ले सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज हमारी है जो अलग अलग साइज़ में कौन सा अवेलेबल है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है 107 गज के करीब, ठीक है ना। ये इन्वेंट्री स्टेटस है और ये जो पेमेंट प्लान में बात कर रहा था उसी की डिटेल्स है। हम लोग नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, हर जगह में प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं। आई एम फ्रॉम इन्वेस्टर्स क्लिनिक। अगर इनके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।